जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? मैं सावित्री मावड़ी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल मावड़ी के व्लॉग्स में। अभी दिन के 1 बजने वाले हैं तो मैं दिन के लंच बनाने की तैयारी कर रही हूँ और लंच में मैं आज बना रही हूँ बड़ी और भात, यानी कि बड़ी अलग बना रही हूँ, अलग से बनाऊँगी। जो गाँव की बड़ियाँ होती हैं पेठे से बनाई जाती हैं हमारे गाँव में, और मैंने एक वीडियो में भी आप लोगों को बताया है। तो बड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 5-6 बड़ियाँ ली हैं। इस तरह होती है बड़ियाँ, यानी कि ये होती है पेठे वाली, जिससे कि मिठाई बनती है पेठे की। और इसमें उड़द की दाल को रात भर भिगो के पीस के फिर उसके बाद अच्छे से मिलाया जाता है, मिक्स किया जाता है, फिर ये बड़ियों को धूप में सुखाया जाता है। तो इस तरह बनती है बड़ियाँ। और उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 हरी मिर्च काट के रख दिए हैं और 1 टुकड़ा अदरक काट के रखा है और लहसुन काट के रखा हुआ है और प्याज 1 काट के रखा हुआ है। और इसमें मैंने जो ग्रेवी बनाने के लिए मैंने लिया है चावल का आटा, और इसमें गेहूं का आटा भी डाल सकते हैं, बेसन भी डाल सकते हैं, मक्के का आटा भी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो वो आप डाल सकते हैं। तो मैंने लिया है चावल का आटा। और ये हरा धनिया मैंने यहाँ पर धो के रखा है, अभी काट नहीं करा, इसे काटूँगी। और 2 लिए हैं मैंने टमाटर। तो मैं पहले बड़ियों को अच्छे से धो लूँगी, और कोई कोई इन्हें थोड़ी देर भिगा के भी रखता है, मैं भिगाऊँगी नहीं, थोड़ा सा इन्हें हल्का सा धो देती हूँ, क्योंकि ये धूप में जब सुखाए जाते हैं तो मिट्टी भी चली जाती है, तो इसलिए इन्हें मैं हल्का सा पहले धो लेती हूँ। तो इन्हें मैंने हल्का सा धो लिया है, 1-2 बार पानी से धो लिया है। तो इस तरह मैंने इनको अच्छे से झाड़ दिया पानी, यानी कि इस तरह खूब झाड़ दिया है। ये खोखले होते हैं ऐसे, इनके अंदर पानी घुस जाता है। और इधर मैंने तेल गर्म कर दिया कढ़ाई में, ये मेरी लोहे की कढ़ाई है। अब मैं इसमें पहले बड़ी जो है डाल देती हूँ और इनको थोड़ी देर तल लेती हूँ। तो इसमें थोड़ा बहुत पानी चला जाता है तो ये इस तरह आवाज़ करती हैं। तो ये बढ़िया मैंने इसमें डाल दी हैं, इनको मैं इस तरह हल्का हल्का फ्राई कर देती हूँ। फ्राई करने से क्या होता है, इनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और जब दाल बहुत ज़्यादा होती है तो थोड़ा वो भिगाने पड़ते हैं, क्योंकि जो दाल भिगाई होती है जिसमें जिन बड़ियों में दाल ज़्यादा होती है तो थोड़ा सा टाइट हो जाते हैं, तो उनको और अच्छे से थोड़ा सा भिगा के फिर निचोड़ के फिर तला जाता है। तो इनमें ज़्यादा दाल नहीं है, यानी कि परफेक्ट हैं, अच्छे हैं, मतलब परफेक्ट बढ़िया हैं। तो ये अब देखो इस तरह का इनका कलर हो गया है, मैं इन्हें साइड निकाल देती हूँ। तो मैंने इसमें बढ़िया निकालने के बाद लहसुन अदरक हरी मिर्च और प्याज डाल दी है। अब मैं टमाटर काटती हूँ, क्योंकि मैंने टमाटर अभी नहीं काटे हुए हैं, और तब तक मेरा प्याज भी ब्राउन हो जाएगा इधर। तो प्याज ब्राउन हो चुका है, अब मैं इसमें मसाले डालती हूँ। मसाले में मैं इसमें डालूँगी 1/2 चम्मच धनिया पाउडर और नमक स्वाद अनुसार और हल्दी पाउडर, और मिर्च मैंने हरी मिर्च काट दी है। तो बस मसाले मैंने इतने ही रखने हैं, और लहसुन अदरक मैंने पहले ही काट के रख दिया है, और ये मसाला हो गया है, और टमाटर मैंने इधर काट दिए हैं। तो इसमें मैं अब टमाटर डाल देती हूँ। तो ये टमाटर पका लेती हूँ इनको अच्छे से इस तरह हिला के, और तब तक जो मैंने चावल का आटा लिया हुआ है उस चावल के आटे को घोल लेती हूँ। और आप चाहें तो आप उसे रोस्ट भी कर सकते हैं, भून भी सकते हैं तेल में, मैं ऐसे ही घोल के डालूँगी, वो भी टेस्टी लगता है बड़ी के साथ। तो तब तक टमाटर पकेंगे जब तक मैं आटा को घोल लेती हूँ। तो टमाटर यहाँ पर पक चुके हैं, अब मैं इसमें जो मैंने आटा घोल रखा है चावल का आटा वो मैं इसमें डाल देती हूँ। तो ये मैंने चावल का आटा इस तरह घोल दिया है, इसको पानी की तरह बना दिया, अब मैं इसे इसमें डाल देती हूँ और हिला लेती हूँ ऐसे। इस तरह, और इसमें और पानी ऐड करती हूँ, नहीं तो ये गाढ़ा बन जाएगा तो फिर घुल नहीं पाएगा अच्छे से। तो मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है, और मेरे को इतनी तरी बनानी है क्योंकि हम 2-3 लोग हैं खाने वाले, तो इतने से हमारा हो जाएगा। तो ये मैंने पानी ऐड कर दिया है, और इसमें मैं अब जो मैंने बढ़िया तल के निकाली थी उन्हें भी डाल देती हूँ। तो ये हैं बढ़िया, इनके साथ साथ तल तो चुकी हैं ये, पर इनको थोड़ा पकाना होता है, इनके अंदर जो ये तरी है ये भी अच्छे से चली जाएगी।
तो ये मैंने बड़ी भिगा ली है और मुझे इनको इतनी देर पकाना है जितनी देर कि मुझे लगेगा आटा पक चुका है उतना ही देर पकाना है। और इधर मैंने धनिया कट करके रखा हुआ है, ये है धनिया की पत्ती और ये है धनिया के पीछे वाला जो डंडी सी होती है वो, तो आप लोग भी इन डंडियों को मत फेंकें, ये बहुत इनमें खुशबू भी होती है और टेस्ट धनिया का इसी में आता है। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे कोई भी सब्ज़ी होती है पत्ते अलग काट देती हूँ, उनको गार्निश के लिए रख देती हूँ, ऊपर से डाल देती हूँ, और जो पीछे वाली डंडियाँ होती हैं उन्हें बारीक काट के, जैसे अभी मैंने ये रखा हुआ है तो इसमें इसे डाल देती हूँ, तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो ये हैं इस तरह, देखो ये डंडियाँ हैं, ये पीछे की डंडियाँ हैं, तो इनकी बहुत अच्छी खुशबू आती है, तो इस तरह डाल दिया करें। और ये पकने के बाद इनका पता भी नहीं चलता, अच्छे से पक जाती है और खुशबू जो है इसमें बहुत अच्छे से आती है। तो जब तक ये, अब मैं गैस कम कर देती हूँ, जब तक ये पकता है यानी कि ये आटा पकता है, तरी बनती है इसकी अच्छे सी, तब तक मैं चावल धो के चावल चढ़ा देती हूँ। तो बढ़िया पक चुकी हैं, यानी कि जो बड़ी की तरी बना रखी है मैंने चावल के साथ के लिए, ये तैयार हो गई है। गैस मैं ऑफ कर देती हूँ और थोड़ी देर में इस पर धनिया, जो मैंने धनिया काट के रखा है उससे डाल दूँगी और फिर थोड़ी देर में हम चावल खाते हैं। और ये मैंने कुकर में यहाँ पर चावल बना दिए हैं और आज जो मैंने हल्दी निकाली थी अपने गमलों से, तो उस हल्दी को भी पीस रही हूँ। मैंने सोचा कि घर पे ही पीस लेती हूँ अपनी मिक्सी में, क्योंकि अगर अपने घर की हल्दी है तो बाहर अगर इसे पिसवाएंगे तो बाहर जो है गड़बड़ कर देते थोड़ा बहुत, तो इसे भी मैं आज पीस रही हूँ। तो ये है हल्दी हमारी, तो ये है हमारी बड़ी भात की थाली और ये हैं दो बढ़िया रखी मैंने इसमें, दो बड़ी और इतनी तरी, मतलब तरी जो और लेगा तो और भी है, तो दो दो बड़ी रखी मैंने सबके लिए, यानी कि हम दो तीन जने हैं तो दो दो बढ़िया हैं। और ये है, तो हम करते हैं लंच बढ़िया वाला, और ये हमारे उत्तराखंड में फेमस डिश है और इसे हर घर में बनाया जाता है और सबको ये बहुत पसंद है हमारे उत्तराखंड में, तो हम भी आज इसी का लंच कर रहे हैं। बड़ी भात पसंद है आपको? बिल्कुल पसंद है, क्यों नहीं होगा पसंद, अच्छी चीज़ किसको पसंद नहीं होती, सब पसंद है, बढ़िया। अच्छा लगता है तुम्हें? अच्छा लगता है, अच्छा देखना, टेस्ट करो। टेस्ट करता हूँ। अच्छा दिख रहा है? दिख तो अच्छा रहा है, टेस्ट करके पता चलेगा। सलाद तो मैंने नहीं काटा क्योंकि बड़ी भात है तो उसके साथ सलाद की जरूरत नहीं होती ना। चटपटा तो अच्छी बना रखा है। हाँ तो मैं तो मिर्च चाहिए। बेटा तो हो रखा है, अच्छी है, बहुत बढ़िया हो रहा है टेस्ट। जतिन कैसा हो रहा है बेटा? बढ़िया, अच्छा हो रहा है, है? खाओ फिर, चलो ठीक है। कब से बढ़िया आ रखी थी, हमने बनाया नहीं है, मैंने कहा चलो आज खाते है ना, ठीक है फिर खाओ। ठीक है, बढ़िया है, टेस्ट आ रहा है? टेस्ट है ठीक है फिर, अच्छा हो रहा है, बढ़िया है। तो मान ले मैंने मिर्च भी रखी है साबुत, अगर खानी है तो? अभी नहीं खानी, घर की बड़ी है। हाँ वही तो, कितने मेहनत से बनती है, अपने घर की है। चलो ठीक है फिर, तो अब मैं भी लंच करती हूँ, मेरी थाली भी यहाँ पे है। और आज की वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करना, लाइक करना, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर लीजिएगा। कल आती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा। बलू लगदू मोहना तेरो हसी हसी बचनो रे।